So this is R.K. शुक्ला, एक्स फैकल्टी ऑफ एल एन एज वेल एज आकाश। और बच्चों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं और आज हम लोग बात करने वाले हैं रेगुलेशन ऑन डाइजेशन। डाइजेशन का जो टोटल मैकेनिज्म है, उसका रेगुलेशन कैसे होता है, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ डाइजेशन के ऊपर, और इसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ एक टॉपिक को। तो जब हम बात करते हैं रेगुलेशन ऑन डाइजेशन, तो याद याद रखना, रेगुलेशन ऑफ डाइजेशन में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो बात हमें दिमाग में सेट करना है कि डाइजेशन पर जो कंट्रोल होता है, ये बेसिकली दो तरह का कंट्रोल होता है। न्यूरल कंट्रोल होता है, ये बेसिकली डाइजेशन पर जो कंट्रोल है, दो तरह का कंट्रोल है। न्यूरल कंट्रोल मतलब नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल, और न्यूरल कंट्रोल के अलावा हार्मोनल कंट्रोल भी काम करता है। एनसीईआरटी ने मेनली बात किया है न्यूरल कंट्रोल के बारे में, बट थोड़ा सा हार्मोनल कंट्रोल के बारे में भी बात किया है, तो हमें भी वो डिस्कस करना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे न्यूरल कंट्रोल के बारे में। और यहां पर ये मैं आपको बता दूं कि ये टॉपिक जो हम बात करने वाले हैं, ये 11th एनसीईआरटी का चैप्टर 16th पेज नंबर 264 पर थर्ड पैराग्राफ है। इस बात को दिमाग में सेट करके रखना है, इस चैप्टर को यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे न्यूरल कंट्रोल के बारे में, और न्यूरल कंट्रोल दो तीन तरह से काम करता है। सबसे पहले कंट्रोल ऑन सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवा का सिक्रेशन का जो कंट्रोल है, वो वास्तव में न्यूरल कंट्रोल है। और ये कैसे काम करता है, जब भी आप किसी फूड मटेरियल को देखते हो, या उसके बारे में सोचते हो, या उसका स्मेल लेते हो, या उसकी प्रेजेंस आपको महसूस होती है, तो सलाइवेशन स्टार्ट हो जाता है। सो बेसिकली दिस इज नर्वस सिस्टम कंट्रोल है, और सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इसके लिए काम करता है, ठीक है। फिर दूसरा गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल सिक्रेशन। गैस्ट्रिक का मतलब क्या हुआ, डाइजेस्टिव मतलब स्टमक का सिक्रेशन, और इंटेस्टाइनल का मतलब क्या हुआ, सेक्टस एंटेरिकस का सिक्रेशन। इसके लिए कौन काम करेगा, इसके लिए न्यूरल सिग्नल काम करेगा, इस बात को दिमाग में बिठा के रखना है। और थोड़ा सा एनसीईआरटी ने जिक्र किया है कि रेगुलेशन ऑन मस्कुलर एक्टिविटी। अब मस्कुलर एक्टिविटी हमने पढ़ा है, मस्कुलरिस एक्सटर्ना और मस्कुलरिस इंटरना, दोनों के बारे में हमने बात किया है। तो मस्कुलरिस एक्सटर्ना और मस्कुलरिस इंटरना में हमने अभी बात किया है कि जो मस्कुलरिस एक्सटर्ना है, एलिमेंट्री कैनाल का जो मसल्स लेयर है, उसके बीच में और बैक प्लेक्सस होता है, ये काम करता है, और वेगस नर्व भी काम करती है। ये बिल्कुल एनसीईआरटी के डिटेल्स के अकॉर्डिंग हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर मस्कुलरिस म्यूकोसा के कॉन्ट्रैक्शन को किस तरह से कंट्रोल किया जाता है, तो इसमें एनसीईआरटी ने सबसे पहला पॉइंट दिया लोकल और ऑटोनॉमिक कंट्रोल, जो कौन करता है, ऑर्बेक और माइंडेक प्लेक्सस, जो एलिमेंट्री कैनाल की वॉल में कहां पाया जाता है, मस्कुलरिस म्यूकोसा में पाया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद कौन काम करता है, कंट्रोल बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो याद रखना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से 10th वेगस नर्व का ओरिजिन होता है, और ये भी इनर्वेट करता है इंटेस्टाइन को, और ये भी इंटेस्टाइन की मस्कुलर एक्टिविटी को कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। फिर उसके बाद बात करेंगे हार्मोनल कंट्रोल ऑन डाइजेशन। याद रखना, इसमें याद रखना कि एनसीईआरटी ने केवल ये लिखा है कि कुछ हार्मोन भी हैं, लोकल हार्मोन हैं, जो डाइजेशन को कंट्रोल करते हैं। और अगर एनसीईआरटी इतना लिख दे तो एनसीईआरटी को अधिकार मिल जाता है उस पर क्वेश्चन पूछने का। तो थोड़ा सा इनका बात कर लेते हैं, ये पॉइंट इनका थोड़ा सा इशारा एनसीईआरटी पर है, ये हार्मोन के नेम जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हमें पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो याद रखना, गैस्ट्रिक ग्लैंड को दो हार्मोन कंट्रोल करते हैं, गैस्ट्रिन और एंटेरोगैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन क्या करता है, गैस्ट्रिक जूस का सीक्रेशन शुरू करवाता है, स्टिमुलेट करवाता है, और एंटेरोगैस्ट्रिन क्या करता है, उसे इनहिबिट करता है। इस बात को अच्छी तरह याद रखना है। अगर हम गॉल ब्लैडर का बात करेंगे तो उसके लिए कौन काम करता है, कोलेसिस्टोकाइनिन, और क्या करवाता है, ये गॉल ब्लैडर के कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है,
ठीक है, अगर हम हिपेटिक सेल की बात करेंगे, लीवर की सेल जो हम पढ़ कर आए हिपेटोसाइट, तो उसके लिए कौन काम करेगा? हिपेटोक्राइनिन, और ये उसे बाइल जूस के सिंथेसिस के लिए स्टीमुलेट करेगा। अगर हम पैंक्रियास का बात करें तो पैंक्रियास में दो हार्मोन है, सीक्रेटिन एंड पैंक्रियोजाइमिन। सीक्रेटिन क्या करता है? रिलीज ऑफ पैंक्रियाटिक जूस, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आया है, ठीक है। और पैंक्रियोजाइमिन क्या करता है? पैंक्रियाटिक जूस में एंजाइम का एडिशन करवाता है। फिर उसके बाद आता है ब्रूनर्स ग्लैंड, कहां पाया जाता है? ड्यूडिनम की सब म्यूकोसा में। और इसका सिक्रेशन कहां पहुंचता है? इंटेस्टाइन की ल्यूमेन में। इसके लिए कौन सा हार्मोन काम करता है? ड्यूक्राइनिन। और ये हार्मोन क्या करता है? ये म्यूकस का सीक्रेशन करवाता है। उसके बाद क्रिप्ट ऑफ लीवर कुन पर काम करता है एंटेरोक्राइनिन, और ये क्रिप्ट ऑफ लीवर कुन से मेनली एंजाइम का सीक्रेशन करवाता है। और उसके बाद माइक्रोब्लाई पर काम करता है ब्लीक्राइनिन, और ये क्या करता है? ये माइक्रोब्लाई के एब्जॉर्प्शन की स्ट्रेंथ को बढ़ाने का काम करता है। माइक्रोब्लाई के एब्जॉर्प्शन का जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाने का काम करता है। फिर थोड़ा थोड़ा इनके फंक्शन का डिटेल थोड़ा सा और भी देख लें, तो यहां पर देखेंगे, ये हमने बात कर लिया, थोड़ा सा डिटेल हम इसकी इनके फंक्शन का यहां पर और भी देख लें, तो ये हम देखेंगे। हाँ, अब बात करें थोड़ा सा हार्मोनल कंट्रोल ऑन गैस्ट्रिक फेज ऑफ डाइजेशन। अभी हमने बात किया स्टमक में पाई जाने वाली आर्जेंटिफरस सेल, याद रखना एलिमेंट्री कैनाल में लोकल हार्मोन का सिक्रेशन करने वाली जो एंडोक्राइनिन सेल है वो क्या कहलाती है? आर्जेंटिफरस सेल कहलाती है। तो याद रखना स्टमक में पाई जाने वाली जो आर्जेंटिफरस सेल है वो गैस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रेशन करता है, और ये हार्मोन कहाँ काम करता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड पर काम करता है और गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन करवाता है। और याद रखना ये अकेला हार्मोन है जिसका सिक्रेशन कहाँ से होता है? स्टमक से होता है। अदरवाइज बाकी सबका कहाँ से होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन से होता है, ठीक है। फिर आर्जेंटिफरस सेल ऑफ ड्यूडिनम, मतलब जो आर्जेंटिफरस सेल मतलब एलिमेंट्री कैनाल का हार्मोन का सिक्रेशन करने वाली सेल, ठीक है। ये हार्मोन एंटेरोगैस्टेरोन का सिक्रेशन करता है जिसे गैस्ट्रिन इनहिबिटरी पेप्टाइड भी कहते हैं, और ये हार्मोन क्या करता है? ये गैस्ट्रिक जूस के सिक्रेशन को स्टॉप कर देता है, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ा इसका फंक्शनिंग देख लो। देखो स्टमक की बॉल से क्या निकला? गैस्ट्रिन, और इसने गैस्ट्रिक जूस को स्टिमुलेट किया, और फिर यहाँ ड्यूडिनम से क्या निकला? जीआईपी, और इसने क्या किया? इसने गैस्ट्रिक जूस के सिक्रेशन को स्टॉप किया। फिर बात करेंगे थोड़ा सा हार्मोनल कंट्रोल ऑन लीवर, इसमें देखो स्मॉल इंटेस्टाइन खासतौर से ड्यूडिनम की जो आर्जेंटिफेरस सेल है वो दो हार्मोन का सिक्रेशन करती है, कॉलीसिस्टोकाइनिन। कॉलीसिस्टोकाइनिन क्या करता है? गॉल ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शन करवाता है जिससे कि बाइल जूस का रिलीज हो जाता है, ठीक है। और हिपेटोक्राइनिन मेनली किस पर काम करता है? हिपेटिक सेल पर काम करता है बाइल जूस के सीक्रेशन के लिए, और यहाँ पे ये बात अच्छी तरह से याद रखना कि सीक्रेटिन इसके काम में सहायता करता है, हालांकि सीक्रेटिन का मेन काम ये नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद बात करेंगे हार्मोनल कंट्रोल ऑन पैंक्रियाटिक जूस, तो स्मॉल इंटेस्टाइन की आर्जेंटिफेरस सेल से ये निकलता है। सबसे पहले हार्मोन सीक्रेटिन निकालता है जो पैंक्रियास के एक्सोक्राइनिन पार्ट एसिनस पर काम करता है, और उससे पैंक्रियाटिक जूस और बाइकार्बोनेट का सीक्रेशन करवाता है। ये काम सीक्रेटिन करता है, इसके ऊपर 2 या 3 बार क्वेश्चन आ चुका है। फिर हार्मोन पैंक्रियोजाइमिन, ये क्या करता है? ये पैंक्रियाटिक जूस को रिलीज करता है, पैंक्रियाटिक जूस में एंजाइम को रिलीज करता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे हार्मोनल कंट्रोल ऑन इंटेस्टाइनल जूस, तीन हार्मोन काम करते हैं। हार्मोन ड्यूक्राइनिन ब्रूनर्स ग्लैंड पर काम करता है और इससे म्यूकस का सीक्रेशन करवाता है। हार्मोन एंटेरोक्राइनिन किसका काम करता है? स्टिमुलेशन ऑफ क्रिप्ट ऑफ लीवर कुन मतलब इंटेस्टाइनल ग्लैंड, और उससे इंटेस्टाइनल जूस का सीक्रेशन करवाता है, जबकि ब्लीक्राइनिन बिलाई के स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। अब थोड़ा सा हम बात कर लें एनसीईआरटी ने इसके बारे में क्या लिखा है, कैसे लिखा है, किस तरह से डिटेल किया है, थोड़ा हम बात कर लें उसके बारे में। तो देखो एनसीईआरटी सबसे पहले लिखता है पेज नंबर 264 का थर्ड पैराग्राफ, द एक्टिविटी ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट आर अंडर न्यूरल एंड हार्मोनल कंट्रोल फॉर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट। ये हमने पढ़ लिया है। द साइट स्मेल एंड और द प्रेजेंस ऑफ फूड इन द ओरल कैविटी कैन स्टिमुलेट द सीक्रेशन ऑफ सेलाइवा, ये भी हम पढ़ कर आए। गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल सीक्रेशन आर ऑल्सो सिमिलरली स्टिमुलेटेड बाय न्यूरल सिग्नल।
चौथा पॉइंट है, ये बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है, हमने केवल उसको मॉडिफाई किया है ताकि आप आसानी से पढ़ सकें। द मस्कुलर एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल कैन ऑल्सो बी मॉडरेटेड बाई न्यूरल मैकेनिज्म बोथ लोकल एंड थ्रू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और उसके बाद हार्मोनल कंट्रोल ऑफ द सीक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस इज कैरीड आउट बाय लोकल हार्मोन प्रोड्यूस बाय गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। तो इन तमाम सारी बातों को हमने पढ़ लिया है। फिर इसके बारे में कुछ एक क्वेश्चन है, और इन क्वेश्चन को आपको सेटल करना है। ये क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाने हैं, तो इन क्वेश्चन के बारे में आप लोग बात करेंगे, क्वेश्चन को आप सेटल करेंगे, तो ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अब अगले टर्म में हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, डिसऑर्डर ऑफ डाइजेशन, केवल वही टॉपिक डाइजेशन में बाकी बचा है, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे फिर, और फिर तो ये डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको सेटल करना है, अगले टर्म पर हम डिस्कस करेंगे, और ये सारा मैटर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, ऑल द बेस्ट।